शनिवार को 26वीं वाहिनी पीएससी परिसर में 6वीं अंतर वाहिनी पीएससी मध्य जोन मलखम प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि सेना नायक 26वीं बटालियन मुन्ना लाल ने फीता काटकर शुभारंभ किया। कंपनी कमांडर विजय कुमार शाही ने मुख्य अतिथि को बैज लगाया। उसके बाद पीएससी के जवानों ने ड्रम बीट के साथ अतिथि का जोरदार स्वागत किया। प्रतियोगिता को शुरू करने से पहले खेल गरिमा को बनाए रखने के लिए सभी खिलाड़ियों को शपथ दिलाई गई। प्रतियोगिता में कुल 5 जोन गोरखपुर, लखनऊ, गोंडा, सीतापुर और बाराबंकी से 8 टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सभी टीमों के प्रशिक्षक सब इंस्पेक्टर तौहर हुसैन, कृष्णकांत रामनिवास, मनोज कुमार और पीएससी जवान सहित अन्य कमांडरगण मौजूद रहे। प्रतियोगिता को शुरू करने से पहले सभी टीमों ने संयुक्त रूप से अपनी प्रतिभा को मुख्य अतिथि के समक्ष प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा, निष्ठा व ईमानदारी से करते हुए सच्ची खेल भावना से भाग लूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। छठी अंतर्वाहिनी मध्य जोन मलखम प्रतियोगिता के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और इस अवसर में मैं कुछ बातें आप लोगों से तय करूंगा और अपेक्षा करूंगा कि आप उसको बनाए रखेंगे। देखिए, खेल जीवन का अभिनय है, ये आपस में भाईचारे का संदेश देता है, खेल से अच्छा इंटरेक्शन होता है, तो इसलिए खेल को खेल की भावना से हमें खेलना है। किसी प्रकार का देश राग अन्यथा अन्य कोई बातें इसमें नहीं आनी चाहिए। खेल के दौरान सभी लोग अपना अनुशासन, जैसा कि लगातार होता रहा, हमेशा होता रहा, अनुशासन बनाए रखेंगे और इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ मैं आप सबको जीत की शुभकामनाएं देता हूँ। सभी प्रतियोगिता अपने पूरे तन मन से लग करके मान प्रणाम के रूप में बहुत बढ़िया कार्यों से स्वागत करें। हर फुर्साई के उपरांत मलखम का सलामी होती है, जो खिलाड़ी करते हैं पैरों के बल पर एक दूसरे पर बहुत बढ़िया से पोजिशन कार्यों से स्वागत करें। पुनः वही का इच्छा साहित्य के बाद मान प्रणाम तुम्हें का
गरीब होता है, खम्बा 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 से युद्ध करने पुरानी शैली है। जब हमारे अन्य देशों में या बैंक करते थे तो इसी खम्बे के सहारे अपने एक्सरसाइज को करके अपने शरीर को शक्तिशाली और स्वस्थ रखते थे। उसी का स्वरूप बाजीराव पेशवा द्वारा महाराष्ट्र के बाजीराव पेशवा उन्होंने इसको खेल के रूप में लेकर के हिंदुस्तान को अपने तरफ से लिया। और प्रसन्न आज उत्तर प्रदेश पुलिस में काफी दिनों से चल रहा है। 1984 में पहली बार डीपीएसपी वीरेंद्र सिंह झांकी ने प्रयोगशाला में प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्तर प्रदेश पुलिस को दिलाया था और सिखाया था। ये मूल जानकारी है जवान मिले हुए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता।